गोवर्धन पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। यह पर्व हमारे भारतीय संस्कृति के अन्य त्यौहारों की तरह ही बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे यह मान्यता रही है कि कृष्ण जी जब बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश से ब्रजवासियों को रक्षा करना चाहते थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठा कर रखा था, जिसके छत्र छाया में सभी ब्रिजवासी गोपिया और सभी पशु पक्षी यहाँ आकर शरण लिए और मूसलाधार बारिश से अपनी सुरक्षा किए। सातवें दिन में कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और यह प्रण लिया कि अब से गोवर्धन पर्व मनाया जाएगा अन्नकूट त्यौहार के रूप में। उस दिन से आज तक यह पर्व गोवर्धन पर्व की पूजा के रूप में मनाया जाता है और इस दिन खिचड़ी पूड़ी बड़ा का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे गायों को खिलाया जाता है और गायों की पूजा की जाती है। खुशी से आप इस पर्व को मनाते हैं, गायों की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं। मेरी सबसे यही निवेदन रहेगी कि यह त्यौहार सिर्फ आप एक दिन न बनाकर साल भर मनाएं और पशु पक्षियों और जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें भोजन खिलाएं। इस त्यौहार को मनाने से हमें यह शिक्षा अवश्य ही लेनी चाहिए कि गाय हमारी माता है, उनसे हमें दूध मिलता है, तो उसी तरह हम उनकी सेवा सिर्फ एक दिन ना करके हम साल भर उनकी सेवा करें। अभी वायरस आए थे तो हमने अपने गायों की उतनी देखभाल नहीं की है, तो आप ये जिम्मेदारियाँ भी रखिए कि हम बुरे वक्त में पशु पक्षियों की किसी की भी सहायता करने से पीछे ना हटें। यह हमारा मानवता भी है और यह हमारी इंसानियत भी है। आपको गोवर्धन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।